हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका, जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना इस चैनल पे आप लोगों के लिए यहाँ पे एकदम कैंडल स्टिक का बेसिक से एकदम एडवांस आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में आएंगे और यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे देखिए ये सेक्शन मिल जाएगा, कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको यहाँ पे आना है तो कैंडल्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ कि पहले आप लोग कैंडल को जानिए कि कैंडल वर्क कैसे करता है, कौन सा कैंडल कहाँ पे बनेगा, है ना। तो मार्केट में किस तरह क्या आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो कहाँ पे ये सब कैंडल का एक एक अपना पर्टिकुलर एक लोकेशन होता है ना, कि वहाँ से मार्केट ये कैंडल को, अगर मार्केट इस कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है तो इस कैंडल का बिहेवियर क्या है, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे है ना बात किया जा रहा है। एकदम बेसिक से यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग को ये सेक्शन मिल जाएगा, आप लोग को इजीली यहाँ पे टोटल यहाँ पे 10 वीडियोज़ अपलोड यहाँ पे हो चुके हैं और ये अपना पार्ट 11 वीडियो है। जैसा जो भी रहेगा सारा अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते जाएगा, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। तो चलिए, आज का जो टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, एक बहुत ही अच्छा एक कैंडल मार्केट में है। और अगर इस कैंडल के बारे में अगर आप अच्छे से समझ गए तो है ना, आप मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड करके एक अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब काम कैसे करता है ना। तो चलिए, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग स्टार एक मतलब आपको एक ऐसा चीज़ है ना, मतलब नाम से ही आपको लग रहा है कि मतलब कुछ एकदम कुछ अनोखा टाइप का कुछ नाम है, कि मतलब एक होता है ना कि अपने ज़िंदगी में मतलब कुछ निखार आ जाए, इस तरह का इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडल। तो कैसा क्या रहेगा कैंडल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर उसके साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि वो कैंडल काम कैसे करता है मार्केट में, है ना। और फिर हम लोग चार्ट रीड करेंगे, है ना, चार्ट रीड वन करेंगे, चार्ट रीड टू करेंगे, है ना, बिहेवियर के साथ जानेंगे, उसके कैरेक्टर को समझेंगे, है ना, कि मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक देखने में कैसा होता है और काम कैसे करता है और उसका लोकेशन कहाँ पे बनेगा वो कैंडल, तो हम लोग को मार्केट में एक अच्छा, है ना, अपना कॉल साइड या पुट साइड का एक व्यू रख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, तो ये कैंडल कहाँ पे बनेगा और हम लोग को क्या कॉल लेना है या पुट लेना है ना, तो ये कैंडल आगे हम लोग समझेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लगाता हूँ। चलिए, मॉर्निंग स्टार देखने से पहले मॉर्निंग स्टार के थोड़ा यहाँ पे उसके बारे में थ्योरी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों, थ्योरी इम्पॉर्टेंट है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे थ्योरी आप पढ़ोगे यहाँ पे, और उसके बाद उस थ्योरी पढ़ने के बाद आप चार्ट पे कैंडल को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आप लोग को वो चीज़ बार बार दिखेगा, वो बनते हुए दिखेगा, वो कैंडल वहाँ पे बनेगा, चार्ट पे बनेगा, और उसके वहाँ पे होता है ना कि वो जो जब वहाँ पे उसका पर्टिकुलरली एक अपना उसका लोकेशन होगा कि वो सपोर्ट पे बन रहा है कि वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है ना, तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगा कि हाँ जी हाँ, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पे बना है तो हम लोग का, है ना, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इस टाइप का अपना सारा सिनेरियो रहेगा। तो चलिए, थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं कि इस मॉर्निंग स्टार कैंडल का थ्योरी क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब मॉर्निंग स्टार इज अ विजुअल पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अ थ्री कैंडल स्टिक, मतलब ये मॉर्निंग स्टार कैंडल जो है तो ये तीन कैंडल में ये रहेगा, है ना, तीन कैंडल में ये रहेगा, दैट आर इंटरप्रेटेड एज अ बुलिश साइन, और इसका साइन जो है ये बुलिश साइन है, मतलब समझ जाइए कि इसका बुलिश साइन है तो मार्केट में, है ना, ये सपोर्ट पे ही बनेगा। थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में, है ना, कहाँ पे कौन सा कैंडल का लोकेशन रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो ये सब चीज़ से आप
समझ पा रहे होंगे, है ना, एज अ बुलिश साइन बाय अ टेक्निकल एनालिस्ट, है ना, अ मॉर्निंग स्टार फॉर्म्स फॉलोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड एंड इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ एन अपवर्ड क्लाइंब, इट इज़ अ साइन ऑफ अ रिवर्सल इन द प्रीवियस प्राइस ट्रेंड, है ना, ट्रेडर्स वॉच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉर्निंग स्टार एंड देन सीक कन्फर्मेशन दैट अ रिवर्सल इज इंडीड अकरिंग यूजिंग एडिशनल इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, तो मॉर्निंग स्टार कैंडल थ्री कैंडल में ये रहेगा और ये पैटर्न आपको, ये पैटर्न, ये कैंडल स्टिक आपको सपोर्ट पे आपको देखने को ये मिलेगा, और ये सपोर्ट पे अगर आपको मिलेगा तो आप लोग बाय के अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, किस साइड, कॉल के साइड में आप लोग जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट पे आपको दिखेगा तो यहीं से सपोर्ट पे बनेगा, और मॉर्निंग स्टार कैंडल रिप्रेजेंट वहाँ पे अगर होगा, बनेगा, तो हम लोग कॉल का व्यू रख के इजिली हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और इसीलिए हम लोग उसको, है ना, रिवर्सल मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में तभी तो वो सपोर्ट पे आया है ना, और सपोर्ट पे बनेगा तो वो रिवर्सल हो जाएगा, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में था तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देखते हैं, आप लोग यहाँ पे थ्योरी को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों अब कैंडल को देखते हैं कि आपको जाके ये अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल आप लोगों को देखने में कैसा रहेगा। तो देखिए, एकदम मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में रहेगा, एक बड़ा सा एक कैंडल एक रहेगा, और यही छोटा सा एक कैंडल रहेगा, ये तीन कैंडल में यहाँ पे प्रेजेंट बनेगा, इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाएंगे, और एकदम इसके हाई से हम लोग एंट्री बनाएंगे, और SL अपना इसका लो रहेगा, है ना। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे पेंट पे थोड़ा बता देता हूँ और कैसे सारा कुछ यहाँ पे वर्क करेगा ये कैंडल स्टिक। तो आप लोग यहाँ पे इस फोटो को इजिली आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसा ही आप लोगों को व्यू मिलेगा चार्ट पे, है ना, मॉर्निंग स्टार ये मिलेगा आपको, छोटा वाला मॉर्निंग स्टार मिलेगा, और एक बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा, है ना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आएगा, और इसके ये वाला जो बड़ा वाला जो रेड वाला जो कैंडल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, तो जाहिर सा बात है, सोचने वाली बात है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम में सेलर लोग, है ना, सेलर लोग यहाँ पे आ रहे होंगे, तो एक बड़ा कैंडल तो रहेगा, और अचानक से एक अपना, है ना, चाहे वो रेड में हो चाहे वो ग्रीन में हो, इट डजेंट मैटर, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, बस उसका एक अपना एलोकेशन होता है, है ना, एक उसका मतलब, ये सपोर्ट पे आपको बनेगा तो आप लोग को यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, अपसाइड, यहाँ से मार्केट चेंज हो जाएगा, मार्केट का डाउन ट्रेंड रहेगा तो मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अप ट्रेंड में जाने लगेगा मार्केट, है ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए ये यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट होगा, चलिए, है ना, ये कैंडल अपना बनना स्टार्ट होगा डाउन ट्रेंड में, है ना, रेड 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 कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा सेंटिमेंट अपना डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड, है ना, डाउन ट्रेंड, मार्केट ऐसे 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 जिगजैग करते मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, उसके बाद आपको एक बड़ा कैंडल, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव है, मार्केट यहाँ नेगेटिव है, तो जाहिर सा बात है कि रेड कैंडल ही आपको देखने को ज़्यादातर यहाँ पे दिखेगा, है ना, रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक छोटा कैंडल, है ना, ये रेड कैंडल है तो एक छोटा यहाँ पे आपको देखिए, एक छोटा कैंडल आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, है ना, एक छोटा कैंडल दिखेगा, फिर उसके बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पे, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ग्रीन कैंडल यहाँ पे आ जाएगा, और देखने में आपको एकदम ये बराबर लगेगा, है ना, इसीलिए थ्री कैंडल वहाँ पे बोला गया है, ये बराबर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और आप लोग कॉल का व्यू रखोगे, और ये हमेशा सपोर्ट पे, है ना, ये हमेशा आपको सपोर्ट पे दिखेगा, सपोर्ट पे ये आपको लेना है, सपोर्ट पे आएगा तो इजिली आप लोग यहाँ पे कॉल का व्यू लेंगे। एंट्री कैसे आप लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो एंट्री आप ऐसे बनाएंगे इसके हाई पे, मतलब ये वाला जो बड़ा वाला जो रेड कैंडल है ना, तो ये वाला ये रहेगा, और इसी का अपना लो आपका ये SL रहेगा, और ये एंट्री रहेगा, है ना, ये अपना आपका एंट्री रहेगा आपका, ये एंट्री रहेगा, और नीचे वाला ये अपना,
है ना, ये अपना जोन, इसका लो है ना, इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप लोग एंट्री बनाओगे और ये कैंडल आप लोगों को ऐसे दिखेगा है ना, और यहीं से मार्केट अपना अप ट्रेंड में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही है इसका थ्योरी और यही है इसका सारा साइकोलॉजी, और समझेंगे अच्छे से इस कैंडल के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर आपको ये देखने को ये चीज़ मिलेगा। बस आपको थोड़ा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा आपको यहाँ पे व्यू बनाना पड़ेगा कि कैंडल कैसे कहाँ पे बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है ना। उसका लोकेशन अगर आप लोग देखना अगर समझ गए ना, तो इजीली आपका यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त में मार्केट में ये काम करता है, ये कैंडल स्टिक, ये पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। चलिए और मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। चलिए ये रहा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया, देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये अपना सेकंड कैंडल, ये अपना थर्ड कैंडल, इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलेंगे है ना। थ्री कैंडल में ये रहेगा, थ्री कैंडल में ये रहेगा मॉर्निंग स्टार कैंडल। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इजिली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मैं जो चीज़ ज़्यादा फोकस करता हूँ उस पे ज़्यादा मैं थोड़ा है ना एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एडवांस भी बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है, तो है ना। और भी मैं आगे भी आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, तो जो लोग भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए ये है अपना मॉर्निंग स्टार कैंडल, बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल है। चलिए और इसका यहाँ पे देखिए एक थ्योरी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये ग्रीन में है ना, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को हम सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को बताया, यहाँ पे है ना सारा कुछ मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया। ये रेड कैंडल है ना, ये अपना ग्रीन कैंडल है, ये अपना ग्रीन कैंडल है मॉर्निंग स्टार बीच में है ना, फिर ये अपना थर्ड वाला जो अपना जो कैंडल रहेगा है ना, ये अपना सेकंड वाला कैंडल ग्रीन वाला कैंडल, अपना ग्रीन वाला कैंडल ये हो गया, तो बस ये है और डाउन ट्रेंड में रहेगा, और फिर यहाँ से इसके हाई पे अपना है ना अपना एंट्री बनेगा, और अपना ये SL नीचे, बस इतना ही इसका है। और चलिए और समझते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। देखिए ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। थ्री कैंडल पैटर्न, एक मतलब दम आपको देखने में ये दोनों एकदम बराबर लगेगा, और एक अपना नीचे मॉर्निंग स्टार कैंडल एकदम थ्री कैंडल में है। द फर्स्ट कैंडल इज रेड, पहला कैंडल रेड बियरिश कैंडल जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया। द सेकेंड कैंडल कैन बी एनी कलर, जो सेकेंड वाला जो कलर है वो कोई सा भी कलर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी अ डोजी और अ स्पिनिंग टॉप है ना, डोजी जैसा रहना चाहिए और स्पिनिंग टॉप जैसा स्पिनिंग टॉप कैंडल के तरह रहेगा, विच सजेस्ट इन डिसीजन है ना। इन डिसीजन, इन डिसीजन मतलब क्या, इन डिसीजन मतलब कि समझिए कि ये सपोर्ट पे अगर बनेगा। इन डिसीजन कैंडल किसको बोलेंगे, इन डिसीजन कैंडल इसको बोलेंगे, ना कि इसमें बायर है और ना ही इसमें सेलर है ना। तो जो भी अगर मेरे वीक वाले कैंडल को नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाइएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे है ना, तो इसी को कहते हैं इन डिसीजन कैंडल। इन डिसीजन कैंडल मतलब बना चार्ट पे, मतलब कहने का मतलब कि ना ही बायर का कोई मतलब बायर का इंटेंशन है कि मैं उसे खरीदूं, और ना ही सेलर का इंटेंशन है कि मैं उसको शॉर्ट करूं है ना। तो इस टाइप का ये कंडीशन में अपना यहाँ पे ये डोजी टाइप का स्पिनिंग टाइप टाइप का ये कैंडल बन जाता है, और जिस साइड भी इसका हाई ब्रेकआउट होता है या इसका लो ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेजी को देखने को मिलता है ना। तो बस ये है अपना, इसी को बोला गया है यहाँ पे इन डिसीजन कैंडल। चलिए द थर्ड कैंडल इज अ ग्रीन, जो थर्ड वाला कैंडल है, जो थर्ड वाला कैंडल है वो ग्रीन रहेगा है ना, ग्रीन बुलिश कैंडल। इट्स मोर इफेक्टिव व्हेन बैक्ड विद हायर वॉल्यूम है ना, और इसके साथ ये जब बनेगा, ये जब मॉर्निंग स्टार बनेगा तो उसके साथ एक बड़ा ग्रीन कैंडल रहेगा, तो इसका कन्फर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ मार्केट में अब यहाँ पे बुल लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट पे बना है, हायर वॉल्यूम, दैट्स इट। बस इतना ही है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में है ना जानना, और बहुत ही अच्छा काम करता है। चार्ट पे भी आप लोग जरूर जाके देखिएगा, मैं अभी अगर दिखता है तो मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे, और बहुत ही ये अच्छा काम करता है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, तो आप इसके बिहेवियर को भी समझ चुके होंगे है ना, कि ये किस तरह का ये बिहेव करेगा, और ये अपना एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है,
और थर्ड कैंडल तीन कैंडल में रहेगा, मॉर्निंग स्टार कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, सपोर्ट पे, कि जहाँ पे बायर और सेलर है का इंटेंशन ना रहे, और एक बड़ा वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल आएगा और आप लोग उसके हाई पे एंट्री बनाओगे और उसका लो अप का आपका एसएल रहेगा, दैट्स इट, है ना। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर किसी तरह का कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग का लर्निंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो सके। तो चलिए चार्ट पे थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल कहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरह का, देखिए यहाँ पे काम यहाँ पे हो सकता है। देखिए ये अपना, देखिए मार्केट का यहाँ पे क्या है सेंटीमेंट, अपना क्या है मार्केट का सेंटीमेंट, यहाँ पे अपना डाउन ट्रेंड है, एक बड़ा रेड कैंडल आया है ना, फिर देखिए एक यहाँ पे देखिए आपको मॉर्निंग स्टार टाइप का लग रहा है, फिर देखिए है ना आपको देखिए तीन कैंडल में दिखा, इसके हाई पे आप लोग आराम से एंट्री बनाएंगे और ये प्रॉफिट को कैप्चर करेंगे और ये लो आपका एसएल रहेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं मार्केट में। चलिए और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को मॉर्निंग स्टार कैंडल कहाँ पे देखने को मिला है। चलिए आप इस चीज़ को खुद नोटिस करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगा, है ना। चलिए और यहाँ पे देखते हैं कहीं पे कुछ बना है ना। चलिए आप खुद इस चीज़ को बैक टेस्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा, आप देखोगे चार्ट पे तो थोड़ा आपको है ना एक कॉन्फिडेंट आएगा, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंट आएगा। तो आप जाइए और इस मॉर्निंग स्टार कैंडल को ढूंढिए और उस पर आप लोग टेस्ट करिए कि इसका एक्यूरेसी कितना आ रहा है, और मार्केट में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।